हाय फ्रेंड्स, आरआर फैशन पॉइंट पे आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज मैं आपको ये वी कॉलर नेक की कटिंग और स्टिचिंग शेयर करने वाली हूँ। देखिए, ये मैंने डबल फोल्ड फिजिंग पेपर लिया है। अब यहाँ पे जो भी आपकी नेक की विड्थ है उसमें 1 इंच प्लस करना है। यहाँ मेरी 2¾ है तो उसमें मैं 3¾ पे मार्क करूँगी, और लेंथ में भी जो भी आपकी लेंथ है उसमें 1 इंच ऐड करना है। यहाँ मेरी 7 इंचेस है तो मैं 8 इंचेस पे मार्क करूँगी। यहाँ मैं 1 इंच का कॉलर लगाऊँगी तो उसके लिए उसके हाफ में हम इस तरह से मार्क करेंगे। अब यहाँ इन मार्क्स को मिलाते हुए इस तरह से वी शेप देना है और बाहर की तरफ 1 इंच छोड़ के इस तरह से हम नेक की कटिंग कर लेंगे। ये वी कॉलर के लिए हमारा वी नेक कट हो चुका है। अब इसको हम फैब्रिक पे पेस्ट करेंगे। फैब्रिक पे पेस्टिंग करने के बाद यहाँ एक्स्ट्रा मैंने 1/2 इंच तक छोड़ा था, उसको हम अंदर की तरफ फोल्ड करके और रफ स्टिच कर देंगे। यहाँ कुर्ती में भी हम नेक की जो विड्थ है उसकी दोनों तरफ से मार्किंग करेंगे। अब इन मार्क्स के ऊपर जो ये हमने नेक रेडी किया है उसे सेट करेंगे और पूरे वी शेप में स्टिच करेंगे। नेक पर स्टिच होने के बाद यहाँ एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर देंगे और दोनों कॉर्नर्स पे छोटे छोटे कट लगा देंगे। ध्यान रहे, स्टिच कट नहीं होनी चाहिए। फ्रंट पोर्शन और बैक पोर्शन को हम शोल्डर लाइन से स्टिच करेंगे। वी कॉलर नेक में बैक पोर्शन में नेक की कटिंग नहीं होती, सिर्फ फ्रंट पोर्शन के नेक को रेडी करके और यहाँ शोल्डर लाइन से स्टिच कर देंगे। अब नेक को हमें इस तरह से सेट करना है और कॉलर के लिए मेज़र लेंगे। यहाँ एक्स्ट्रा 1 इंच छोड़ के इस तरह से टेप को घुमाएंगे और कॉलर की मेज़र लेंगे। मेरी मेज़रमेंट में ये आ रहा है 13½ और कॉलर की विड्थ जो रखनी है उसकी हम यहाँ से मेज़र लेंगे। देखिए, यहाँ 1/2 इंच हमें सिलाई के लिए छोड़ना है और 1 इंच का हमारा कॉलर बनेगा। कॉलर की कटिंग करके मैंने उसको फैब्रिक पे पेस्ट किया है। अब इसको हम एक और स्ट्रिप के ऊपर रखेंगे इस तरह से। अब यहाँ पे मैं ब्लैक पाइपिंग यूज़ करूँगी तो उसको हम इसके साथ अटैच करते जाएंगे। और पूरे में स्टिच कर देंगे। पाइपिंग अटैच होने के बाद इसको हम फोल्ड कर देंगे। और दूसरी तरफ भी हम दोनों स्ट्रिप्स को मिला के एक रफ स्टिच कर देंगे। इस तरह ये मेरा कॉलर रेडी हो चुका है। अब हम कॉलर को नेक में अटैच करेंगे। जो हमने एक्स्ट्रा 1 इंच कॉलर में लिया था उसको हम इस तरह से अंदर की तरफ लेंगे।
कॉलर को इस तरह से सेट करना है। हाफ इंच अंदर की तरफ रख के और पूरे कॉलर को हम इस तरह नेक के साथ स्टिच करेंगे। अब बैक पोर्शन में जहां हमने शोल्डर लाइन की स्टिच की है उतना फैब्रिक हमें अंदर की तरफ फोल्ड करना है करीब हाफ इंच तक। इस तरह से फोल्ड करके और बैक में भी हम कॉलर को फिक्स करेंगे। इस तरह पूरे में अच्छे से कॉलर को घुमाते हुए और नेक को कंप्लीट करेंगे। कॉलर को इस तरह से ओवरलैप करके और यहाँ सेंटर में आके कंप्लीट करना है। जो हमने लेंथ में एक्स्ट्रा 1 इंच लिया था वो भी यहाँ फिल हो चुका है। इस तरह वी कॉलर नेक मेरा रेडी हो चुका है। और फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और कमेंट ज़रूर करें। थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।